बेसिकली दिस इज द मिसिंग लिंक टू टोटल वेलनेस। मैं काफी सालों से इस पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे यही समझ आई है कि हमें क्या करना चाहिए कि हम टीथ को ना मिस कर देते हैं। सिर्फ हम देखते हैं, ध्यान देते हैं कि टीथ सिर्फ स्माइल के लिए हेल्प करते हैं। नहीं, स्माइल में नहीं हेल्प करते, सिर्फ वो आपकी बॉडी का फर्स्ट जो है विंडो है आपकी बॉडी की, जिसमें सब कुछ आपका जो बॉडी में कुछ भी जाना सबसे पहले अब आपकी माउथ से होके जाना है। तो वो एक बहुत बड़ा एक मिसिंग लिंक है जो मैं देख रहा हूँ हमारे जो फंक्शनल मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स हैं। इवन मैंने देखा सर, मैं कई जो स्पिरिचुअल हीलर्स हैं या जो बहुत मेडिटेशन डीप करते हैं, उनको मैंने देखा है कि जब मैं उनको, सॉरी एक मिनट, मैं चार्जर लगा लूँ। मैंने देखा जब मैं उनकी बैलेंसिंग कर देता हूँ टीथ की, जो एनर्जी उनकी वेस्ट हो रही है टीथ में, तो उनकी मेडिटेशन जो है इवन और डेप्थ में जा रही है। मेरे पास अभी एक कनाडा से आए हैं, पेश आए थे ऑलमोस्ट लास्ट मंथ आए थे। शी इज अ वेरी गुड मेडिटेशन, उनकी बहुत डीप, बहुत अच्छी करते हैं। तो उन पर मैंने ट्राई किया था ये सारी चीजें, तो शी सेड कि जब से मैंने उनकी टीथ में बैलेंसिंग की है, उनके टीएमजे को रिलैक्स किया है, उनके बेसिकली ओजोन के इंजेक्शन भी लगाए टीएमजे में, तो उनकी उसके बाद से मेडिटेशन की डेप्थ और बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा। वो हैप्पी थे, इवन शील बी कमिंग बैक इन फेब्रुअरी ऑल्सो, तो उनपे हम और ज्यादा काम करेंगे। तो ये चीजें बड़ी अच्छी लग रही हैं कि जब हमारी एनर्जी जो हमारी जॉ मसल्स में यूटिलाइज हो रही हैं, हम उनको, अगर हम वो एनर्जी को वेस्ट ना होने दें, उसको और फायदा दें उसको, मतलब उसको बाकी बॉडी के लिए हेल्पफुल करें, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इंप्रूव हो सकती हैं। वाओ, मेरे लिए ये बिल्कुल नया कंसेप्ट था सर। सर काफी नया है। मैं आपको कहूँ तो कि मैं हर पेशेंट में कुछ ना कुछ नया देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ हर पेशेंट में, कि जिसका मैं हर मेरे लिए ना हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। मैं किसी को कोई भी जो काम करता हूँ वो जनरलाइज नहीं करता। हर पेशेंट का, जो मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मेरे मेरी कोशिश होती है मैं उनको एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दूं, क्योंकि वो एक पर्सनलाइज पर्सनल एक सिंगल पर्सन है, तो मैं उनको किसी के साथ रिलेट नहीं करता। तो हर पेशेंट में मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ डिफरेंट उनको रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो भी शेयर करके बड़ा हैप्पी होते हैं। तुम्हारे जो टीथ है, बेसिकली ये 50% प्रॉब्लम्स जो हमारी बॉडी में है, जो मैं जितना कुछ समझ पाया हूँ कि 50% हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है बॉडी की, सिर से लेकर पैर तक, ये आपके टीथ के साथ, ये जरूरी नहीं है कि टीथ के कारण ही हो, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम जो है आपकी टीथ की अलाइनमेंट या बायोलॉजी के कारण, वो एनहांस हो सकती है, एक्सेलरेट हो सकती है प्रॉब्लम। तो अगर हम ये चीजें, टीथ को हम ठीक कर देते हैं, उनकी बायोलॉजी ठीक कर देते हैं, तो जो डिजीज आपकी जितनी इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। सो बेसिकली मैं 2007 से डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और 2012-13 के बीच में कुछ हुआ कि मेरे मुझे ना माइग्रेन्स और सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैं एवरी वीक एक पेन किलर तो मिनिमम खाता ही खाता था, इवन कई बार दो भी खा लेता था, कभी ज्यादा पेन काम करना पड़ गया तो मैंने अपनी प्रैक्टिस धीरे धीरे काफी रिड्यूस कर दी। जब फिर मैंने खुद पे समझना शुरू किया, क्योंकि यार कुछ ना कुछ तो हमें रूट कॉज तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, सिर्फ टैबलेट ही एक सोल्यूशन नहीं है। मेरे फादर की मेडिकल स्टोर है, तो हम बचपन से समझो कि मेडिसिन पे ही पले हैं, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आनी फटाफट मेडिसिन तो हाथ में ही होती थी कि चलो जी ये खा लो। तो लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, दिमाग में आया कि नहीं, मुझे इसका कुछ रूट कॉज ढूंढना है। जब मैंने इसका रूट कॉज ढूंढना शुरू किया, तो मुझे समझ आई मेरे जो टीथ हैं, एक जो मेरा केनाइन है वो अंदर टेढ़ है। मैं मुंबई भी गया, वहां पे भी सीख के आया, सारा कुछ अपनी प्लानिंग्स करवाई, लुधियाना में भी, अलग अलग जगह से जो डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट हैं इनके। फिर उसके बाद मैंने अपने टीथ की अलाइनमेंट ठीक करवाई, और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी, मुझे ना कोई हेडेक हुई है, माइग्रेन्स नहीं हुई जो मेरे मुझे फ्रीक्वेंटली पहले होती थी, या मुझे सर्वाइकल इश्यू से मुझे थोड़ा सा काम करना और चक्कर आने शुरू हो जाने, एकदम से मुझे रुकना पड़ना था, तो ये धीरे धीरे मेरी वो चीजें सारी खत्म हो गई। मैंने अब, मतलब मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट पेन किलर कब खाई है, और मैं ऑलमोस्ट हो गए मुझे 8 8 to 9 years, नहीं 24, सॉरी इट्स 2024, मुझे लगता है कि अब ये 2015 की बात है जब मैंने ठीक करवाया, तो 8 9 years तो मुझे हो गए हैं इस चीज को। कभी मैंने पेन किलर नहीं खाई, उससे ज्यादा काम कर रहा हूँ, उससे ज्यादा ट्रेवल कर रहा हूँ, उससे ज्यादा भी सीख रहा हूँ जो मैं पहले करता था। तो मेरे बॉडी में ओवरऑल बहुत डेवलपमेंट हुई है, और जब से मैंने साथ में ओजोन थेरेपी स्टार्ट की है, ओजोन थेरेपी तो मतलब मेरी लाइफ और मेरी फैमिली की लाइफ भी चेंज हो गई है।
तो मैं मेडिकल ओजन प्रैक्टिस मेडिकल ओजन थेरेपी भी प्रैक्टिस करता हूँ बॉडी पेन्स पे। और मोस्टली एक मैं इम्प्लांट से हम करते हैं, जो मोस्टली क्या होता है कि जब हम कोई भी सर्जरी करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, जब हम टिश्यू को कट करते हैं तो हम उसको बोन को एक्सपोज करते हैं इम्प्लांट लगाने के लिए। बोन एक्सपोज करते हैं उसका मतलब हमने बोन को एक्सपोज कर दिया कि जितने भी बैक्टीरिया उस टाइम पे हमारे एनवायरमेंट में है या ओरल कैविटी में है, वो बोन के अंदर जाने के पूरे पूरे उनके चांसेस होते हैं। तो मैं पिन होल इम्प्लांटोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिन होल इम्प्लांटोलॉजी में क्या होता है कि हम उसको कट नहीं करते, टिश्यू को, बोन को ओपन नहीं करना, सीधा ड्रिल करना और इम्प्लांट लगा देना, और मिनिमल ट्रॉमा के साथ काम करते हैं। जहां पे रिक्वायरमेंट है वहीं पे करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो टीथ हैं वो वेरियस जो बॉडी के पाथवेज होते हैं, न्यूरल पाथवेज, उसको इम्पैक्ट करते हैं, जिसके कि आपके हेड से लेकर फीट तक आपके जॉइंट पेन्स को ट्रिगर कर सकते हैं हमारे टीथ। बहुत सारे मेरे पेशेंट हैं मेरे पास आते हैं कि उनकी किसी के सर्वाइकल पेन तो मैंने खुद अपनी की है, मैंने अपनी वाइफ की लोअर बैक एक की प्रॉब्लम ठीक की है, बहुत सारे पेशेंट्स की शैटिका की पेन ठीक की है, हाथों पैरों में जो हीट या पेन होनी उसके जॉइंट पेन्स को ठीक किया है ओजोन और डेंटिस्ट्री के कम्बिनेशन के साथ। और ये काफी चीजें इनसे हमारे जो टीथ के साथ रिलेटेड है। तो जैसे कि हम समझ सकते हैं कि कार है, अगर उसमें कार में व्हील्स की बैलेंसिंग नहीं है तो धीरे धीरे वो थोड़ी वाइब्रेशनल डिस्टरबेंस क्रिएट शुरू हो जाती है। हम इवन अंदर बैठे भी जो ड्राइव भी कर रहा होता है ड्राइवर, उसको भी समझ आ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। धीरे 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 अगर हम उसको बैलेंसिंग को नहीं ठीक करवाएंगे तो हमारे टायर घिसने शुरू हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम उसको भी अगर ठीक नहीं करवाते तो सस्पेंशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर हम कोरिलेट करें, हमारे टीथ जो है, हमारे व्हील्स हैं और जो हमारे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, ये है हमारा सस्पेंशन। तो हमारे अगर इनकी टीथ की अलाइनमेंट ठीक नहीं है, उनकी बैलेंसिंग ठीक नहीं है फोर्सेस की, तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट हमारी ये जॉ की मसल्स और जॉइंट पे शुरू हो जाएगा। और जॉइंट पे जो बेसिकली हमारा जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, ये जॉ का जॉइंट है, जो इसकी जब मूवमेंट होती है तो उसके बीच में एक डिस्क होती है। जब वो डिस्क प्रॉपर चल रही है, हमारी अलाइनमेंट ठीक है, फोर्सेस का इम्बेलेंस नहीं है, वाइब्रेशंस नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होती है कि डिस्क जो हमारी है वो अंदर को स्लिप करना शुरू कर जाती है, क्योंकि उसको स्पेस कम मिलती है। जब स्पेस कम मिलती है, वो रबर टाइप जो स्ट्रक्चर होती है वो अंदर वाले जो साइड है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की अंदर वाली साइड है, वहां पे स्लिप करना शुरू कर जाती है। जब वो स्लिप करेगी तो हमारी जो स्कल से ब्रेन के बेस से ऑलमोस्ट 17 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स और नर्व्स पास करती हैं, मेजर नर्व्स पास करती हैं, जो भी बेसिकली हमारी ये डिस्क बार बार ओवर द टाइम ओवर द ईयर्स जब ये बेसिकली हिट करती रहती है, तो धीरे 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 हमारी ये जो जो भी मसल या जो भी सॉरी ब्लड वेसल या नर्व हाइपर एक्टिवेट हो जाती है, तो हम बॉडी में हमारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि हम हमारी एक वेसल पे इफेक्ट किया, उसने धीरे धीरे वाइब्रेशन आगे करनी है, आगे पास कर देती, फोर्सेस आगे पास कर देते हैं। जब वो फोर्सेस आगे पास होते तो जो भी नर्व हमारी इफेक्ट हो रही है वो सिम्टम्स सारी बॉडी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली डॉक्टर संजय रोड़ा ने ये चीज डिफाइन की थी, ये क्यों होता है ऐसे इफेक्ट, डोमिनोज इफेक्ट गिवन बाय डॉक्टर संजय रोड़ा। बेसिकली क्या कि फॉर एग्जाम्पल हमारी यहाँ पे वेगस नर्व है, अगर वेगस नर्व हमारी बार 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 हाइपर स्टिमुलेट हो रही है तो उससे क्या होगा, वेगस नर्व के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन उसका मैं एक फंक्शन बताना चाहूंगा कि वो हमारे स्टमक को स्टिमुलेट करती है, उसको बोलती है कि हम खाना खाने लगे। जब वो हाइपर स्टिमुलेट हो जाती है, उसकी एक लेवल होता है, जब वो स्टिमुलेट होती है तो हमारे स्टमक को सिग्नल जाता है कि हम फूड खाने लगे। और हमारी जो बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि फूड खाने से, फूड पेट में आने से पहले पहले हमारी पेट में एसिड प्रोड्यूस होना चाहिए, ताकि जब हमारा खाना पेट में जाए तो इजिली डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन जब हम दांत घिस जाते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, या हमारी फोर्सेस बढ़ जाती हैं, है ना, तो क्लेंचिंग करते हैं बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कि ब्रक्सिज्म के होती है उनको, तो जब वो प्रेशर, हाइपर प्रेशर हमारे टीथ पे आता है तो वो हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। जब वो स्टिमुलेट होगी तो हमारे पेट में एसिड बनना शुरू हो जाएगा, चाहे हमने खाना खाया चाहे नहीं खाया। तो जब भी आप समझो कि आप खाना नहीं भी खा रहे तो भी आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट हो रही है और आपकी पेट में एसिड बनना शुरू हो रहा है। पर हमारी बॉडी में पर्टिकुलर इतना ही होता है, इतना मतलब अमाउंट होती है कि एक दिन में 24 आवर्स में इतना एसिड प्रोड्यूस कर सकती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको देखें कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है और हमें एवरी मील में 25 यूनिट्स चाहिए, जब हमने मील्स नहीं ली इन बिटवीन, अगर हम खाना खा रहे हैं समझ लो कि चाहे 10, 15, 40 यूनिट्स जो हमारे विदाउट मील्स वेस्ट हो गए, तो जब हमें मील्स में एक्चुअली जितना एसिड चाहिए वो एसिड ही नहीं मिल रहा डाइजेशन के लिए, तो फिर आपके इनडाइजेशन के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। ये एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल दिया इसका आपको। तो फंक्शनल डेंटिस्ट्री हम सिर्फ दांतों में नहीं देखते, हम बॉडी की बाकी सारी मसल्स और बाकी सिम्टम्स को भी हम साथ में लेकर चलते हैं। तो आपके सिर्फ टीथ को नहीं ठीक करते फंक्शनल डेंटिस्ट्री से, आपकी फुल बॉडी को हम स्माइल तो इम्प्रूव करते ही करते हैं, साथ में आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, और डेंटिस्ट्री एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है हमारी ओवरऑल हेल्थ में। जैसे कि आपके टीथ ओवर द टाइम घिसने शुरू हो जाते हैं, ये थोड़ी सी एक आप वीडियो दिखेगी आपको, जैसे इम्बैलेंस है हम दांत घिसाते हैं, खाना खाते हैं, ओवर द ईयर ऐसे घिसने शुरू हो जाते हैं। जब ये इम्बैलेंस शुरू हो जाता है तो हमारे जो इनेमल खत्म होना शुरू हो जाता है, अंदर डेंटीन एक्सपोज होनी शुरू हो जाती है। डेंटीन जो है बेसिकली वो ज्यादा पोरस होती है एज कम्पेयर टू हमारे इनेमल, तो जब डेंटीन एक्सपोज हो जाती है बैक्टीरिया जो है डेंटीन के अंदर ज्यादा इजिली जा सकते हैं, डेंटीन ज्यादा जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती है हमारे बैक्टीरिया को या कुछ और केमिकल्स को, तो वो जो हमारे टीथ के थ्रू डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में या बॉडी में हमारे मील्स के साथ ये बैक्टीरिया और केमिकल्स जा सकते हैं। तो बेसिकली मेरा फंक्शनल डेंटिस्ट होने के साथ एक मेरा मिशन है कि मैं डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है मैं उसकी जड़ तक जाऊं और उसको ठीक करूं, ताकि जो आपको सिम्टम्स हैं वो ठीक होने शुरू है। तो मेरी टीम पूरी ट्रेन है कि आपकी ओरल कैविटी को इस तरीके से आपको चेक करे, आपके दांतों को चेक करें, दिस इज जस्ट फॉर जोक, कि हम पूरा ध्यान देते हैं कि आपके प्रॉपर हर चीज का चेकअप करें, प्रॉपर टीथ की अलाइनमेंट का, फोर्सेज का, आपका बायोलॉजिकल डेंटिस्ट्री में आपकी रूट कनाल्स इन्फेक्टेड तो नहीं है, आपके कोई दांत इन्फेक्टेड तो नहीं है, मर्करी फिलिंग्स हम बहुत ध्यान देते हैं कि मर्करी फिलिंग्स नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपकी जो बेसिकली हम यहाँ पे जो यूज करते हैं मटेरियल्स, बायो कंपेटिबल मटेरियल यूज करते हैं ताकि आपकी बॉडी को मिनिमम या कोई हार्म ना हो उन केमिकल्स के कारण। एक बेसिकली हमने देखा कि हम 12 to 13 ईयर्स की एज में काफी बच्चों में अब देख रहे हैं कि वायर्स लगा के, ब्रेसिस लगा के ठीक करते हैं दांत, तो उससे अलाइनमेंट लाते हैं। हमारा जो बेसिकली एज अ फंक्शनल डेंटिस्ट हमारा प्रोसेस क्या होता है कि हम सिर्फ आपके फ्रंट वाले टीथ नहीं ठीक करते, दिखाने वाले टीथ नहीं ठीक करते, बल्कि आपके जो पीछे वाले टीथ हैं, जो मोलर्स और प्री मोलर्स हैं जिन पे एक्चुअली फोर्सेज आनी है, उनकी फंक्शनिंग भी इम्प्रूव करें। मोस्टली क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमने जो 12-13 ईयर्स की एज में तारे लगा ली तो हम ठीक हो गए, उसके बाद हमारी दांतों के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फिर भी टीथ की प्रॉब्लम आती है या फिर भी इश्यूज आते हैं बॉडी के। क्यों आते हैं? क्योंकि 17 to 25 ईयर्स की एज के बीच में हमारे विजडम टीथ इरप्ट होते हैं। जब विजडम टीथ आपके सीधे आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट अगर आपके विजडम टीथ टेढ़े हैं तो आपके वो दांतों को पुश कर करके दोबारा से आपके दांतों की अलाइनमेंट खराब कर देते हैं, तो हमें उस टाइम पे भी ध्यान देना होता है। हम उन पेशेंट्स पे दोबारा करते हैं अलाइनमेंट करते हैं दोबारा, ताकि जो या उस टाइम पे जब इरप्ट होने होते हैं तो उनको स्टेबलाइजर देते हैं ताकि उनकी इम्पैक्ट ना आए, ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट ना आए उनकी टीथ की अलाइनमेंट में। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमारी डिस्क कैसे इफेक्ट कर सकती है, आपकी क्लिकिंग साउंड होती हैं, तो ईयर में इश्यूज आ सकते हैं, आपके बेसिकली जो टीएमजे के कारण जो इश्यूज हैं, जैसे कि आपके माइग्रेन, जैसे मैंने अपना बताया माइग्रेन, या नेक पेन, शोल्डर स्टिफनेस, सर्वाइकल हो सकती है, आपके ईयर्स में बेसिकली अजीब सी हिसिंग साउंड आती है कहीं कईयों को, वो पता नहीं चलता, ईएनटी को चेक करवाते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट को, बट पता नहीं चलता कि रीजन क्या है, ईयर बिल्कुल ठीक होता है। हमने देखा है थोड़ा पार्शियल हियरिंग लॉस भी शुरू हो जाता है, ये एक ट्रिगर पॉइंट है आपकी जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का डिसऑर्डर जो होता है। बहुत सारी इश्यूज हैं हमारी बॉडी में, जैसे आपकी टूथ टीथ की सेंसिटिविटी हो सकती है, आप खाना खाते हो दांत में कीड़ा कोई नहीं लगा हुआ बट फिर भी आपको सेंसिटिविटी है, तो वो आपकी फोर्सेस के इम्बैलेंस के कारण है, जो दांतों के फोर्सेस के इम्बैलेंस के कारण है। डिस्कम्फर्ट हो सकता है जॉ में, ओपनिंग क्लोजिंग में, क्लिकिंग साउंड हो सकती है, ईयर में जैसे मैंने आपको बताया टिनाइटस हो सकती है, ईयर में प्रॉब्लम हो सकती हैं,
नेक स्टिफनेस है, ये बेसिकली सर्वाइकल के साथ जो रिलेटेड चीजें हैं। अगर आपकी टीथ की अलाइनमेंट खराब हो जाती है तो आपके सर्वाइकल वर्टिब्री जो है वो टैग्ड होते हैं, उनकी इम्बेलेंस होता है, तो ये डिस्क उनके बीच में जो होती है वो पीछे को या साइड को पुश होने शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वो पुश होती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड या उसकी ट्रजेक्टरी जो नर्व्स है उसको ये इम्पिंज करती है। तो जब ये इम्पिंज, जो भी नर्व आपकी इम्पिंज होती है, उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं, जैसे हैंड्स की टिंगलिंग होनी, शोल्डर स्टिफनेस, फ्रोजन शोल्डर कुड बी देयर, है ना, तो चक्कर आने, वॉमिटिंग टाइप नॉजिया फील होना, लोअर बैक की प्रॉब्लम्स आनी, शेटिका पेन्स होनी, नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स आनी, इससे आपकी टीथ की अलाइनमेंट खराब होने के कारण आपको टाइटनेस हो सकती है, आपको स्वेलो करना मुश्किल है, जैसे कुछ खाना खा रहे हो तो लग रहा है कुछ थ्रोट में स्टक हो रहा है, हेडेक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब टेंशन टाइप हेडेक्स होती हैं, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या रीजन है, तो टीथ आपका ये सबसे बड़ा एक रीजन हो सकते हैं। आई से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आप आई स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो, आपको नंबर आपका चेंज नहीं हो रहा, फिर भी आपको थोड़ा कंसंट्रेट करके देखना पड़ता है, आप आई सकनी, ब्लर्ड विजन होना या लाइट में सेंसिटिविटी शुरू हो जाना। आजकल तो वैसे सबके पास एक रीजन है कि हम जी मोबाइल बहुत यूज कर रहे हैं, बट मोबाइल तो डेफिनेटली उसको एक्सेलरेट करता ही है, लेकिन टीथ की एक बहुत बड़ा रीजन है आपका इसमें। स्लीप एपनिया बेसिकली रात को सोते हुए जब हम लेटते हैं, हमारा जो पैसेज है एयर वे का वो प्रॉपर होता है, जैसे हम इजीली ब्रीद इन कर पाते हैं, लेकिन जब हमारे दांतों की जो ओरल कैविटी की स्पेस है ओवर द इयर्स ड्यू टू दांत घिस जाने या दांत छोटे कम हो, दांत कोई आपका निकल भी गया है तो आपकी जीभ स्वेल कर जाती है, उस एरिया को कवर कर जाती है, तो उससे क्या होता है कि जीभ का साइज बड़ा हो जाता है लेकिन हमारी ओरल कैविटी में स्पेस कम हो जाती है। जैसे हम रात को सोते हैं तो हमारी जो टंग है वो पीछे को ऐसे फॉल करना शुरू हो जाती है क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिलती। जैसे हम क्लेंच करते हैं टीथ, हम स्वेलो करते हैं, क्लेंच करते हैं टीथ, तो जो हमारी टंग है वो पीछे को पुश होती है, जब वो पीछे को पुश होगी तो हमारे जो एयर वे पैसेज को है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, तो एकदम से करके हमारी नींद खुल जाती है या कई बार सांस उखड़ जाती है। स्लीप एपनिया एक हमारी टीथ के कारण बहुत बड़ा एक रीजन है कि स्लीप एपनिया ये कॉज कर सकता है। पेशेंट है मेरे पास, यार मैम कुछ हो रहा है, मैं एक प्रॉब्लम वीडियो तो स्किप करूंगा, यहाँ मेरा वीडियो पे है, पेन। तो शी केम टू मी, तो उनकी माउथ ओपनिंग नहीं थी प्रॉपर, टीएमजे में लॉक हो गया था, जॉ खुलता नहीं था, वन फिंगर माउथ ओपनिंग थी, पेन भी बहुत होती थी, नेक में स्टिफनेस थी, तो आई गेव हर ओजोन इंजेक्शन इन हर टीएमजे ताकि इनकी जो वेगस नर्व है, टेम्पोरोमेंडिबुलर ज्वाइंट की डिस्क है वो रिलैक्स हो, और जो ब्लड वेसल्स मसल्स को वो स्टिमुलेट कर रही, ट्रिगर कर रही है, उसको थोड़ा शांत करे, और थोड़ा फोर्सेस को का इम्बेलेंस जो है वो ठीक किया। तो आफ्टर ओनली 10 to 15 मिनट्स ओनली उनकी सिंगल फिंगर माउथ ओपनिंग टू फिंगर माउथ ओपनिंग में हो गई, और धीरे धीरे ओवर द टाइम, ये आफ्टर 3 मंथ्स का मैसेज है, तो इसमें आप देख सकते हैं उनकी पेन भी बिल्कुल नहीं हुई और कोई डिस्कम्फर्ट नहीं आया, 6 मंथ्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 6 मंथ्स के बाद उसको क्या हुआ कि पेशेंट शी अगेन केम टू मी कि मुझे सेम सिम्टम्स द्वारा शुरू हुए हैं, अभी उनकी 3 फिंगर माउथ ओपनिंग थी, कोई पेन नहीं, कोई नेक में स्टिफनेस नहीं थी, नींद इंप्रूव हो गई थी, बहुत इश्यूज इंप्रूव हो गए थे, बट उसको फिर से प्रॉब्लम आ गई। जब मैंने चेक किया तो पता चला दूसरी साइड पे दांत पे कीड़ा लगने के कारण वो दांत थोड़ा सा टूट गया, जब वो टूट गया फिर से उसको इम्बेलेंस शुरू हो गया। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि लोगों में तो बहुत दांत के कीड़े लगते हैं, टूटते भी हैं, उनको प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हम जो बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारा जो पेशेंट, हम जो एक खाई से कितनी दूर खड़े हैं, जो बंदा खाई के बिल्कुल, जो वैली के बिल्कुल ऊपर खड़ा है, एज पे खड़ा है, उसको उसका गिरना इजी है, तो अगर हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है, बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि हम बिल्कुल एज पे खड़े हैं, तो हमारी हल्की सी भी चेंजेस जो बॉडी में वो आपको इमिजिएटली फील होगी, और कई जो है वो वैली से, जो खाई से बहुत दूर खड़े हैं, तो उनको उनको सिम्टम प्रॉब्लम्स इतनी, मतलब दांत भी खराब होते जाएंगे, तो उनको लेकिन बॉडी में सिम्टम्स नहीं आते क्योंकि वो बहुत दूर खड़े हैं। तो आपकी ये बॉडी टाइप भी डिपेंड करती है कि आपको कितना इम्पैक्ट आएगा। सो बेसिकली वी वर्क ऑन बैलेंसिंग अवर टीथ, अगर हमारे टीथ बैलेंस है तो हमारी बॉडी इम्बैलेंस नहीं आएगी। ये भी मैं स्किप करना हेलो चाहूंगा, ये भी इनकी भी को काफी लंबी है, ये खुद एक डेंटिस्ट और फंक्शनल मेडिसिन के एक्सपर्ट है,
तो शी वॉज ऑल्सो हैविंग स्टिफनेस इन हर ज्वाइंट्स, और बहुत सारे इश्यूज थे जो उनको बॉडी के साथ, टीथ के साथ मैंने इनकी अलाइनमेंट करके ठीक किए, टीएमजे के इंजेक्शन, इनकी ओजोन थेरेपी भी की है। तो मल्टीपल इश्यूज ठीक करने के बाद हमारे जो सॉरी जॉ टीथ अलाइनमेंट और इनके ओजोन थेरेपी के साथ इनको काफी सारी चेंजेस जो आपको इनकी बॉडी में फील हुए, जैसे इनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, स्लीप इंप्रूव हो गई, इनका गट जो बेसिकली जो इनका बेसिकली ओरल कैविटी में प्रॉब्लम्स थी, जो इम्बैलेंस ऑफ बैक्टीरिया था, जो ज्यादा थे एनारोबिक बैक्टीरिया वो फूड के साथ अंदर जाते थे, उसको उनमें प्रॉब्लम ठीक हुई, काफी इश्यूज इनके ठीक होने शुरू हो गए। तो ये भी मेरे So the पिछले symptoms were 7 ईयर्स के pretty. बाद भी इनका इनकी जो स्टेबिलिटी थी हमारी टीथ अलाइनमेंट के साथ वो प्रॉपर थी। तो बेसिकली फंक्शनल डेंटिस्ट्री में मेरी कोशिश होती है कि आपकी जो फोर्सेस का इम्बेलेंस है उसको ठीक करना, जो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्स्ट्रा फोर्सेस हमारी बॉडी पे जा रही हैं, जो एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको बैलेंस करना, ताकि आपकी बाकी बॉडी एनर्जी वो कंज्यूम कर सके और हेल्दी रह सके। तो बेसिकली ये मसल रिप्रोग्रामर है, ये आपके टीथ का चेक करने के लिए टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट के डिसऑर्डर को कि किस स्टेज में है, सिर्फ ये डायग्नोस्टिक डिवाइस है। तो हम बिना दांतों को टच किए भी चेक कर सकते हैं कि आपके टीथ के साथ क्या क्या बॉडी में प्रॉब्लम्स की रिलेशन है। तो देन कम्स बायोलॉजिकल डेंटिस्ट्री, इसे हम होलिस्टिक डेंटिस्ट्री भी बोलते हैं, बायो कंपेटिबल डेंटिस्ट्री भी बोलते हैं। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन ओरल कैविटी, आपकी ओरल हेल्थ और ओवरऑल सिस्टेमिक हेल्थ के साथ भी है इसका। क्या हम उसके मटेरियल यूज करते हैं, आपका ओरल इन्फेक्शन एंटायर बॉडी पे कैसे इफेक्ट कर सकती हैं, और काफी सारी चीजें हम थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमारे दांतों पे जो खाना जम जाता है उसको हम कैलकुलस बोलते हैं, वो एक लेयर बन जाती है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो वहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया का फूड क्या है, हमारे टीथ, हमारे गम्स के नीचे जो बोन है वो है। तो जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, उनकी कॉलोनीज बढ़ती जाती है, हमारे गम्स रिसीड होने शुरू हो जाते हैं पीछे, और प्लस बोन खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो हम हमने सुना तो होगा कि हमें हर 6 महीने या साल बाद एक बार दांतों की सफाई करवानी चाहिए। हम एक मिथ है बहुत बड़ा कि दांतों की सफाई करवाने से दांत हिल जाते हैं, ये एक वाकई मिथ है। आप समझिए, ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खाना जमा हुआ है, जितना जितना ये खाने की लेयर बढ़ती जाएगी, इसने लॉस किया बेसिकली आपके गम्स को और बोन को। जब हम इस एरिया को क्लीन कर देते हैं, जो ये आपको पूरा फील्ड लग रहा है, जब क्लीन कर देते हैं तो इसमें आपको दिखेगा कि बिल्कुल ये स्पेसिस आ गई। स्पेसिस सफाई करने से नहीं आई, स्पेसिस आई हैं जो वहां पे खाना जमा हुआ था उसको क्लीन करने से। अगर हम उसको क्लीन नहीं करते तो ये धीरे धीरे बैक्टीरिया जो है अंदर से आपको खत्म करते जाएंगे, आपके जो गम्स के अंदर जो बोन है वो खत्म करेंगे। इनको क्लीन करवाना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पेसिस बढ़ चुकी हैं, आपकी ऑलरेडी टिश्यू में रिसेशन हो चुकी है, तो आपको एवरी 3 मंथ्स क्लीनिंग करवानी चाहिए, ताकि आपकी जो ओरल फ्लोरा है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है आपकी माउथ में, उसमें प्रॉब्लम्स ना आए, वो एनारोबिक ना हो जाए। उसको हेल्दी रखेंगे तो हमारी गट हेल्दी रहेगी। जब पेरियोडोंटल इश्यूज हो जाते हैं, जैसे डीप पॉकेट्स होती हैं, जब डीप पॉकेट्स होती हैं तो वो जो बैक्टीरिया, और जितना डीप जाते जाएंगे उतने ही खतरनाक बैक्टीरिया हमारे अंदर ग्रो होते जाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन से उतना दूर होते जाएंगे। तो जब जब वो जाएंगे, जब हम हमारे गम्स के अंदर जो पेरियोडोंटल टिश्यूज के अंदर जब वो बैक्टीरिया जाते हैं, तो पेरियोडोंटल टिश्यूज के थ्रू वो हमारे सिस्टम में चले जाते हैं थ्रू ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में बैक्टीरिया आपके हार्ट में भी, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में जा सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकते हैं, डायबिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली हो ही सकती हैं, आपकी ज्वाइंट हेल्थ की डिटेरेशन हो सकती है। तो ये काफी सारे इश्यूज जो हैं आपके जो ओरल बैक्टीरिया हैं उसके कारण आपकी बॉडी में कॉज हो सकते हैं। ये बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि आप देख सकते हैं कि नीचे वाले टीथ जो हैं इनमें देखो कैसे ये ब्लैक कलर का ऑलमोस्ट कैलकुलस जमा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है आपके एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करने का।
सारी क्लीनिंग करने के बाद हम ओजोन के साथ इंसफ्लेशन करते हैं ताकि जो डीप इनसाइड भी बैक्टीरिया है वो भी ओजोन के साथ किल हो जाए। ये भी पेशेंट का जिन्होंने जिनका हमने ट्रीटमेंट किया है इनको भी बहुत सारे इश्यूज थे। मतलब इनका माइक्रोबियल फ्लोरा ही बहुत बुरी हालत में था, तो उनको हमने कोशिश की जितना हम मैक्सिममली क्लीन कर सकते हैं उसको क्लीन किया। कीड़ा लग गया, कीड़ा लगने से बेसिकली कीड़ा जो लगता है ये भी एक फंक्शनल डेंटिस्ट्री का एक पार्ट है। जब फोर्सेस का इंबैलेंस शुरू हो जाता है तो माइक्रो क्रैक शुरू हो जाते हैं। आवाज डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, आज क्या हो रही है? अभी अभी ठीक है सर? अब बेटर है। या हाँ, ठीक है, तो बेसिकली वो मैं स्किप कर देता हूँ अगर उसे आवाज डिस्टर्ब हो रही है। तो ये बेसिकली क्या है, जब हम ये नेचुरल पिट्स एंड फिशर्स होते हैं हमारे टीथ में, हमारा जो टूथ है ये मेरी एक बेसिकली डॉक्टर संजय रोड़ा से गाइडेंस के साथ ही मैंने अपनी हाइपोथेसिस हम दोनों ने की है। डॉक्टर संजय रोड़ा मेरे बहुत अच्छे गाइड हैं। तो हमारा जो टूथ है बेसिकली वो हाफ साइड पे प्रेशर सहने के लिए बना है, लेकिन जब दूसरे हाफ पे प्रेशर आना शुरू हो जाए ड्यू टू इम्बेलेंस ऑफ द फोर्सेज, तो यहाँ पे जो पिट्स एंड फिशर्स हैं यहाँ पे माइक्रो क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। इन माइक्रो क्रैक्स में बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया जो हमारी दांतों में कीड़ा बेसिकली हम जिसे कहते हैं कीरीज कहते हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली हमने बायोलॉजिकल और फंक्शनल डेंटिस्ट्री को अलग अलग नहीं देख सकते, हमें दोनों को कंबाइन करके ही काम करना पड़ता है। रूट कैनाल एक बहुत बड़ा एक हो गया कि रूट कैनाल्स नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, क्या उसके फायदे नुकसान हैं। हम बेसिकली अपने क्लिनिक में कोशिश करते हैं कि रूट कैनाल्स ना करें। मतलब मुझे 2016 से जब से मैंने बायोलॉजिकल डेंटिस्ट्री शुरू की है रूट कैनाल्स, उससे पहले मैं ऑलमोस्ट एवरी मंथ अपनी क्लिनिक में और कंसल्टिंग दूसरी क्लिनिक्स में जाके भी रूट कैनाल्स करता था सिंगल विजिट और बहुत एडवांस लेवल की। मैं ऑलमोस्ट 50 to 70 रूट कैनाल्स एवरी मंथ करता था। और 2016 के बाद अभी तक 24 हो गया, मेरे हिसाब से मैंने 50 भी रूट कैनाल्स नहीं की। अगर करनी भी पड़ती हैं तो कोशिश करते हैं कि बायोलॉजिकल रूट कैनाल्स करते हैं। और रूट कैनाल्स क्यों नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले हम 100% सील नहीं कर पाएंगे ना उसको इसको कैनाल्स को। तो ये बेसिकली आपकी बॉडी में जब रूट कैनाल प्रॉपर नहीं होती तो यहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। ये जो इन्फेक्शन इन्फेक्टेड रूट कैनाल्स हैं ये एक बहुत बड़ा सेंटर बन जाता है बॉडी के लिए बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। हमारी बॉडी बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है इस एरिया में जो इन्फेक्टेड रूट कैनाल्स होती हैं इन्फेक्टेड टीथ होते हैं उनमें से बैक्टीरिया को खत्म करने में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही लगा रहता है। तो बाकी कामों को करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम के लिए उतनी एनर्जी और टाइम ही नहीं मिलता, इसीलिए हमारी जो इन्फेक्टेड रूट कैनाल्स हैं उसमें बेटर होता है कि उसको एक्सट्रैक्शन ही कर दें इन्फेक्शन अगर उसमें एक्टिव है तो। इन्फेक्टेड रूट कैनाल अगर आपने रूट कैनाल करवाई भी हुई है तो आप एवरी 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद उसका एक एक्सरे करवा के देखें, अगर उसमें इन्फेक्शन है वो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द एक्सट्रैक्शन, उसको रिमूव करवा देना चाहिए टूथ को। लेकिन जो रिमूव करवाना है टूथ को, अगर हम सोचे कि हम ऐसे दांत निकाल देंगे जो बैक्टीरिया अंदर है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, वो बैक्टीरिया कई बार और ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में हमारी ब्लड की स्ट्रीम के थ्रू भी जा सकते हैं। तो बेटर है हम एक बायोलॉजिकल वे में इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं जिसमें हम ओजोन थेरेपी और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करके एक्सट्रैक्शन करते हैं। और हमारे जो प्रैक्टिस है ड्यू टू ओजोन थेरेपी हमारी ऑलमोस्ट मेडिसिन फ्री एक्सट्रैक्शन और ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें हम ऑलमोस्ट कोई किसी को बहुत रेयर होता है कि हम किसी को जो हमारे ओजोन थेरेपी हमसे नहीं करवाते सिर्फ उनको ही एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी, नहीं तो हम कोई एंटीबायोटिक्स नहीं प्रिस्क्राइब करते। पेन किलर्स वो भी SOS एज पर द जो पेशेंट की जो टॉलरेंस पावर है उस पर डिपेंड करता है उसको पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है या भी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स तो मेरे एक्सट्रैक्शंस के बाद या इम्प्लांट सर्जरीज के बाद कोई पेन किलर तक भी नहीं खाते, या ज्यादा से ज्यादा एक आधी पेन किलर खानी पड़ती है उनको। तो हम बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्शंस बेसिकली करते हैं हम सारे उसके, इवन उसमें ओजोन इंजेक्ट भी करते हैं जिनमें एक्टिव होती है इन्फेक्शंस होती हैं, ओजोन के साथ हम पूरा करते हैं ये। जब एक्सट्रैक्शन के बाद हमने बेसिकली ओजोनेटेड सलाइन के साथ
अच्छे से इरीगेट करते हैं, ओजोन इंसफ्लेशन भी करते हैं पेशेंट को। मैं रूटीन में हमारी क्लिनिक में एक्सट्रैक्शन के बाद ओजोनेटेड ऑयल्स देते हैं ताकि वो अप्लाई कर सके पेशेंट। तो ये भी मेरे एक पेशेंट का टेस्टिमोनियल है। बेसिकली शी केम फ्रॉम बैंगलोर टू मी। बैंगलोर से आके उन्होंने मेरे से बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्शन करवाई, जहां पे उनको सभी ने बोला गया बोला था कि उनको एंटीबायोटिक्स के बिना, जो उनकी कंडीशन थी, एंटीबायोटिक्स के बिना एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकती। तो शी स्टेड फॉर 3-4 डेज टू मी विद मी। तो उनकी एक्सट्रैक्शन भी की, ओजोन थेरेपी भी की और उनको एक भी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ी। एंटीबायोटिक हम समझ सकते हैं कि एंटीबायोटिक से हमारा बेसिकली जो गट का फ्लोरा है वो खराब होता है, तो इसीलिए मोस्टली लोग जो नेचुरल हीलर्स हैं वो एंटीबायोटिक्स अवॉइड करते हैं। तो इसमें हम कोशिश करते हैं, हमने इन पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक नहीं दी। इन्होंने एक पेन किलर ली सिर्फ जिस रात, जिस शाम को हमने एक्सट्रैक्शन की उस रात को, ताकि इजिली नींद आ जाए, बिकॉज शी स्टेबल फ्रॉम वेरी फार अवे। मर्करी फिलिंग्स एक बहुत बड़ा एक वो मेरे हिसाब से होनी चाहिए समझ, मतलब इस पे रिसर्च बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मर्करी फिलिंग दांतों को कुछ नहीं करती, दांतों को भी डेफिनेटली करती है बट उतना विजिबल इफेक्ट नहीं देती, बट ये आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। मर्करी फिलिंग्स पे अलग से मेरा एक प्रॉपर यूट्यूब पे है, पूरा लेक्चर है, उसमें आप देख सकते हैं कि मर्करी फिलिंग्स आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं या क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं उससे। तो हमारा ये प्रोटोकॉल है पूरा प्रॉपर मर्करी फिलिंग रिमूव करने का, उस प्रोटोकॉल के साथ ही हम रिमूव करते हैं, ताकि हमारी जो मर्करी फिलिंग के कारण जो हमारी बॉडी में हमारे पेशेंट्स को या हमारे हमारे खुद को या मेरे स्टाफ को कोई इश्यूज ना आए, तो उसके हिसाब से हम ये प्रोटोकॉल्स के साथ इसको रिमूव करते हैं। तो बेसिकली मैं एक टिप देना चाहूंगा कि एक मशीन आती है वाटर फ्लोसर, ये आपको अमेजोन से बहुत इजीली मिल जाएगी। अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप वाटर फ्लोसर सर्च करेंगे तो मिल जाएगी ये। आप मेरे हिसाब से मैं एडवाइस करूंगा कि हर एक को यूज करनी चाहिए रात को सोने से पहले, ताकि हमारे जो गम्स में जो खाना जमा हुआ है, जो हमारे रात को सोते हुए बैक्टीरिया का एक फूड बन सकता है, उनको ग्रोथ के लिए एक एनवायरमेंट क्रिएट कर सकता है, वो क्लीन हो जाए। जब वो क्लीन हो जाएगा तो आपके ओरल हेल्थ इंप्रूव होगी, तो बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगी, आपके दांतों में कीड़ा कम लगेगा, आपके दांतों के गम्स हेल्दी रहेंगे, आपका गट हेल्दी रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ी मैं आपको टेक अवे होम मैसेज देना चाहूंगा कि आप हर एक किसी को ये वाटर फ्लोसर जरूर यूज करना चाहिए। सो फंक्शनल डेंटिस्ट्री इज ऑल अबाउट नॉन और मिनिमल इन्वेजिव डेंटिस्ट्री, एंड ओजोन थेरेपी जो स्टेज में है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग केरीज एक्टिविटी, आपकी पेरियोडोंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी हीलिंग को हेल्प करने के लिए, वूंड्स को इजीली जल्दी ठीक करने के लिए, आपके टीएमजे इश्यूज को अच्छे मतलब विदाउट सर्जरी ठीक करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा बून है ओजोन थेरेपी। और सर जैसे आप मेरे हिसाब से जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो हमारी वाइब्रेशन माइक्रो वाइब्रेशन हमारी मसल्स में जाती हैं, हमारी बॉडी में जाती हैं, तो बहुत हेल्प करती हैं आपकी सारी मसल्स को, सारी बॉडी को काम करने के लिए। तो बेसिकली दिस इज वेरी रेवोल्यूशनाइजिंग, बायोफंक्शनल डेंटिस्ट्री इज बाउंड टू रेवोल्यूशनाइज द वे डेंटिस्ट्री इज गोइंग टू बी प्रैक्टिस इन द फ्यूचर। मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं स्प्रेड करूं ये बायोफंक्शनल डेंटिस्ट्री, ताकि आपको और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो।